दोस्तों, ये जो आप हमारे हाथ में पीला पीला पेड़ देख रहे हैं ना, मतलब फल देख रहे हैं, इसे खिन्नी का फल कहते हैं। ये एक मौसमी फल है और कहा जाता है कि इसे राजा महाराजा सेवन किया करते थे। और हमारे यहाँ हम किसी राजा से कम थोड़ी हैं। खामोश। ये जो हमारे साथ में हैं, ये हैं हमारे लंगोटिया यार, मतलब हमारे मंत्री और संतरी। तो चलिए जानते हैं इस फल के बारे में। तो दोस्तों, जिस तरह से भगवान हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने गए थे, लेकिन लेके आ गए सीधा पूरा का पूरा पर्वत, उसी तरह ये हमारे लंगोटिया यार खिन्नी तोड़ने के बजाय पूरा पेड़ ही काटने में लग गए। ऊपर चढ़े चढ़े ये लंगोटिया यार पूरा पेड़ ही काटने लग गए, और नीचे हमारे दूसरे यार ये पेड़ इकट्ठा कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ से पेड़ लेके हम लोग भाग जाएं। वैसे तो ये फल बहुत ही मीठा होता है, लेकिन अगर गलती से इसे ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो सुबह ज़्यादा मात्रा में ही जाना पड़ेगा बाबू। अब इससे पहले कि पेड़ का मालिक आके हमें राजा से भिखारी बना दे, हमें यहाँ से 9-2-13 होना पड़ेगा। 9-2-11। अरे क्या है ना, हम 2 घंटे ज्यादा स्कूल में बैठे हैं। भाई ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, कमजोर हो जाएगा। जल्दी से अब यहाँ से निकल लो, नहीं तो कोई आ जाएगा। लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सारा शहर हमें लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, इन भाई साहब के पैरों में मेहंदी लगी हुई है, इसलिए स्लो स्लो चल रहे हैं। और इन्हें देखिए आप, ये तो ऐसे फील कर रहे हैं जैसे स्वर्ग में अप्सराएं इन्हें अंगूर खिला रही हों। वाह जी वाह, क्या कहने कवि के। बेटा मन में लड्डू फूटा, लेकिन अब और नहीं। अरे सालो, खुद के लिए तोड़ लाए, 2-4 पत्ते हमारे लिए भी तोड़ देते, खाली बैठे मुंह तो न हिलाना पड़ता। और इतने में आ जाते हैं हमारी फिल्म के विलन, मतलब पेड़ का मालिक। लेकिन डरने से ज़्यादा भागना जरूरी था, और हम भाग के पहुँचे हैं दूसरे मित्र के। और जब हम यहाँ पहुँचे तो सब ऐसे देख रहे थे जैसे नई नवेली दुल्हन आ गई हो। खैर ये तो सपने ही हैं एक। यहाँ पहुँच के छाँव में बैठ के हम सभी ने फिर खिन्नी खाई, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी हो रही थी। ऐसी गर्मी मानो सूर्य देव है ना, हम भारतीयों को क्रिस गेल बनाने के चक्कर में हूँ, इतनी तेज गर्मी पड़ गई थी। और अब कराते हैं हम आपका इन मोहतरमा से परिचय। और दोस्तों, ये जो थोड़ी देर पहले आपने एक छोटी सी बच्ची देखी है, वो है हमारी भतीजी। और हम इससे बस यही कहना चाहते हैं, छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या। और ये हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। इनके हिसाब से महंगे कपड़े पहनने से इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान बड़ा तब होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे होने लगते हैं। सच में दिमाग तो बहुत है, लेकिन मैं ऐसे दिखावा नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह हम सभी ने पूरे दिन मज़े किए और खूब खिन्नी खाई। और अगर आप भी खिन्नी खाना चाहते हैं तो हमारे गांव आ सकते हैं, पता बताएंगे नहीं ये अलग बात है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप सभी का बहुत धन्यवाद।